सोलन के चंबा घाट स्थित टेलीकॉम कंपनी HFCL में बीते कई माह से कंपनी प्रबंधन व कर्मचारियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनी प्रबंधन ने इस कंपनी में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखाया है, जिसके चलते कर्मचारियों ने अपनी मांगे न माने जाने के विरोध में श्रम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और श्रम अधिकारी पर भी कंपनी से मिलीभगत का आरोप लगाया। सोलन जिला के चंबाघाट स्थित टेलीकॉम कंपनी HFCL व कंपनी प्रबंधन के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। कंपनी ने करीब 100 मजदूरों को काम से निकाल दिया है, जिससे वे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि श्रम अधिकारी उनकी मांगों को ना मानकर कंपनी प्रबंधन से मिला हुआ है और उनके पक्ष में कार्य नहीं कर रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने श्रम अधिकारी को जमकर घेरा और उन पर संगीन आरोप लगाए। HFCL मजदूर यूनियन के प्रधान रमेश दत्त ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मांगों को श्रम अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और बुधवार को उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अधिकारी वहां से नदारद हो गए। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से उन्हें कंपनी से बाहर निकाला गया है। बोल रहे हैं कि भाई मोटी दलाली करते हैं, मोटा पैसा खाते हैं और इतने लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन शर्म की बात यह है आज भी लेबर अफसर साहब यहाँ से निकल गए। जब उनको पता लगा भाई लोग यहाँ पे आ रहे हैं हमारे से सवाल करने पूछने हैं नारे लगाने, तो यहाँ से भाग गए। अब ये कब तक भागेंगे? और जो हमारी मैनेजमेंट है, इन्होंने कोई किसी से कोई परमिशन नहीं दी है लॉकआउट की और एक गैर कानूनी तरीके से लॉकआउट किया है और इसके लिए हमने आज तक कोई आंदोलन नहीं किया। हम लेबर डिपार्टमेंट के कहने पर वहाँ आधे घंटे जाते थे और हम डेली देखते थे कि आज खुलेगा लॉकआउट, आज खुलेगा, आज महीना हो गया, लेकिन अब गुस्सा इतना हद तक फूट गया है कि अब अगर हम लेबर कमिश्नर का भी घेराव करेंगे और चाहे जान देनी पड़ेगी उनके ऑफिस में। जो दिन इनका अपनी तरफ से जो 10-12-14 दिन का टाइम होता है, आज महीना हो गया है और अब हम लोग जो है पूरी तरह से सड़कों पर आएंगे और ये लोग भी सीखेंगे, हमारी कुछ नहीं है, HFCL के लोग लड़ेंगे। 30 साल से ये कंपनी और ये यूनियन लड़ती है और लड़ती आई है। HFCL यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अनूप शर्मा ने बताया कि उन्हें ना तो श्रम अधिकारी पर भरोसा है और ना ही कंपनी प्रबंधन पर। उन्होंने मामले की उचित जांच की मांग की है। यहाँ पर हमारे कारखाने के लगभग 100 श्रमिकों को नौकरी से बाहर कर दिया आज के समय में, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी है और श्रम विभाग जो कि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, इसका जो गठन किया गया है प्रदेश में, और ये आज पूरी तरह से श्रमिकों के विरुद्ध काम कर रहा है। और आज जबकि जब जब भी हम श्रम विभाग के पास आए, यहाँ कार्यालय में आए, उन्होंने हमेशा ही हमें धमकाने की कोशिश की है और हमें निराश किया है और बार बार उन्होंने प्रबंधक पक्ष का उनका पक्ष लिया है और सारे वैसे आज तक भी हमारा वहाँ कंपनी में 29 तारीख से लेकर कारखाना प्रबंधक ने लॉकआउट किया है, बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से किया गया है। और उसके बीच में उस पर कार्रवाई करने के बजाय जो यहाँ के जो लेबर अफसर हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं, वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर हमारे श्रमिकों के खिलाफ ही वहाँ षड्यंत्र रच रहे हैं, हमारे पीठ पीछे वहाँ पे जाते हैं कारखाने के अंदर, ना किसी यूनियन के से किसी पदाधिकारी से बात करते, ना किसी श्रमिक से बात करते, और सीधा जो वहाँ कारखाना प्रबंधक है उसके कार्यालय में बैठते हैं, वहाँ इनका लेन देन होता है कई तरह से और इनकी बहुत बुरी सेटिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।